हेलो स्टूडेंट्स, ऑफ क्लास 11th। डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। कैसे हम वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, या हम कहेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। इस तरह एजुकेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एजुकेशन इस पर इट प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट वेटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स। यू नो क्या क्या एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी स्कूलों में, तब हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वी कैन से दैट मॉर्निंग असेंबली इज वन ऑफ द एक्टिविटी विच हेल्प्स अस टू डेवलप inculcate values, positive values among the students। कैसे हमें क्या करना है मॉर्निंग असेंबली, हम तो स्कूलों में करते ही हैं रोज, इट शुड बी डेली होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे प्रेयर तो हम पहले करते हैं, सिंगिंग ऑफ डिवोशनल एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होने चाहिए, है ना, ब्रीफ इथिकल स्पीचेस by students as well as teachers। मॉर्निंग असेंबली में हम प्रेयर भी पढ़ते हैं, सिंगिंग भी डिवोशनल होती है या पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, और इसके अलावा हमें बहुत सारे लेक्चर्स एंड स्पीच देनी है चाहे थ्रू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी है विच हेल्प अस टू डेवलप वैल्यूज। सेकंड, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, इट मस्ट बी ए वैल्यूज शुड बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। हमें हम इन एडिशन टू अवर जनरल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविकस, साइंस, साइनस, जैसे उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी हमें क्या करने हैं, हमें अपना अटेंशन वैल्यू एजुकेशन में देना जरूरी है इन ऑल स्कूल्स एज वेल एज कॉलेज। टीचिंग ऑफ ग्रेट रिलीजन्स शुड बी टॉट इन एजुकेशन, वो सब्जेक्ट्स जो एडिशन से पढ़ाते हैं इनके साथ हमें वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए। कैसे, जब आप उनको ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट टीचर्स हैं, उनके बायोग्राफी हमें उनको थ्रू लेक्चर्स उनको सुनानी है, कहानियाँ, स्टोरी वगैरह। तो एट लीस्ट टू पीरियड्स इन अ वीक, कम से कम हफ्ते में दो पीरियड जरूर होना चाहिए। मैं कोशिश करनी है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े उनके साथ साथ मॉडल एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, तभी मुमकिन है जब हम ये हमको कंपलसरी बनाएंगे। रीडिजाइनिंग कैरिकुलम, जो हमारा कैरिकुलम है हमें उसको रीडिजाइन करना है। हमारा जो कैरिकुलम है इसमें वोकेशनल है, इसमें बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इनके साथ साथ टेक्निकल है, इसमें इन चीज़ों के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी होनी चाहिए। मॉरल टॉपिक्स शुड बी बेस्ड ऑन मॉरलिटी, मॉरल कल्चर, स्पिरिचुअल एंड नेशनल वैल्यूज इन हमारे कैरिकुलम, ये चीज़ जरूरी होना चाहिए, शुड बी टॉट, तभी हम अपने मकसद में काम हो सकेंगे। हम तब हम जो एजुकेशन है ये अच्छा रोल निभा सकती है, क्योंकि एजुकेशन का रोल ही भी ऐसा है कि इसके बदौल इसी एजुकेशन के बदौलत हम बच्चों में अच्छे अच्छे वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। तभी जब हम जो सिलेबस है हमें उसको रिडिज़ाइन करना है, हमें कैरिंग में रिजाइन करना है, इसमें को कैरिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैरिकुलर के अलावा को कैरिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए बहुत सारी, जैसे हमने प्रेयर की बात की, इसमें सिंगिंग होना चाहिए, इसमें लेक्चर्स भी होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह एक्सटेंशन लेक्चर्स, है ना, जो हमारे एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं इन एडिशन टू जनरल लेक्चर्स, हमें एक्सटेंशन लेक्चर्स भी बच्चों को देने, किस पे, ऑन मॉरलिटी, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। हम यानी जैसे हम प्रेयर में चाहे प्रेयर में हम लेक्चर्स उनको देते हैं मॉरलिटी पे, और इसके अलावा हमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ग्रेट रिलीजियस पर्सन्स हैं जिनके अंदर ग्रेट मॉरलिटी है, हमें उन एक्सपर्ट को बुलाना है ताकि वो हमारे बच्चों को लेक्चर दे सकते हैं जो किसी हद तक मददगार हो सकते हैं और डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमें एक्सपर्ट लेक्चर देने चाहिए, उनके इंतजाम करना चाहिए, एक्सपर्ट्स बुलानी है,
स्कूल में भी लेक्चर देनी है तब भी ये किसी हद तक मुमकिन हो सकता है। तो डिक्लेमेशन ऑफ कॉन्टेस्ट, हमें कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज इन ऑल इंस्टीट्यूट, हर एक चाहे स्कूल है, हर सेकेंडरी है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो बड़े बड़े कंटेस्ट होने चाहिए। किन थीम्स और थीम लीड टू सोशल, मॉरल, एस्थेटिक एक्स्ट्रा, तो इन बाकी प्रोग्राम तो हम करते हैं, लेकिन इन पर भी हमें इन प्रोग्राम वैल्यूज की तरफ में ज़्यादा जोर देना चाहिए, तब भी हमारी जो एजुकेशन है ये फायदेमंद हो सकती है। इस तरह हमें कंटेस्ट करना चाहिए, जब कंटेस्ट होगा बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, वो बच्चे अच्छे अच्छे किताब भी पढ़ेंगे, बड़े बड़े लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे, है ना। इस तरह स्किट्स एंड ड्रामास, हमें ऑर्गेनाइज करना है। हम तो को करिकुलर एक्टिविटीज तो करते ही हैं स्कूल में, बहुत सारे डेज हम मनाते भी हैं स्कूल, बहुत सारे ओकेशन स्कूल में मनाते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्रामास होने चाहिए। हम प्योरली एंड पर्टिकुलरली डिपेंड्स रिलेटेड टू वैल्यूज, ठीक है। इस तरह आर्ट एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन, हमें स्कूल में आर्ट एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन डेवलप करना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए रिलेटेड टू डिफरेंट वैल्यूज, ताकि जो आर्ट एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, इट दीज कॉम्पिटिशन शुड बी रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, तब भी ये हो सकता है कि हमारे बच्चों में वैल्यूज डेवलप हो सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैनर्स, और हम तो बर्थडेज तो मनाते हैं, लेकिन हमें ग्रेट जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, जो ग्रेट लीडर्स है, उनको बर्थडेज मनाने है, ताकि इस बर्थडे पे हम बच्चों को सिखाते हैं, लेक्चर्स देंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हम बुला सकते हैं कि वो लेक्चर दें, उनके बायोग्राफी के उनने क्या क्या एक्सपर्ट उनका क्या क्या उनने सोसाइटी को क्या क्या दिया, उन्होंने क्या क्या काम किया है। यूज़ ऑफ मास मीडिया, हमें मास मीडिया भी इस्तेमाल करना चाहिए, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, टीवी, टेलीविजन, रेडियो, बाकी जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, हमें उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पेपर्स वगैरह, वहाँ पे अगर हम अच्छी तरह से इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो सकता है हम उनसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ज़्यादा फायदा उनसे हासिल कर सकते हैं। रोल ऑफ टीचर्स, और इसके अलावा जो टीचर का रोल है, एक बहुत बड़ा रोल है। टीचर मस्ट बी ए मॉरल, ही मस्ट हैव वैल्यूज एंड मॉरलिटी। टीचर का रोल इन सब के अलावा टीचर का रोल है, वो बहुत बड़ा अहम रोल है, लेकिन तभी मुमकिन है जब हमारे टीचरों के अंदर ये मॉरलिटी है, जब उनके अंदर वैल्यूज है। तो इस तरह हम कहेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग वाली, किस तरह हम बच्चों में वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। तब जब मैंने मॉरल असेंबली कंपल्सरी सब्जेक्ट बनने चाहिए, रिजाइटिंग कैरिकुलम, एक्सटेंशन लेक्चर्स, डिक्लेमेशन कंटेस्ट, स्किट्स एंड ड्रामास, आर्ट एंड पेंटिंग कंपटीशन, सेलिब्रेशन बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन, यूज ऑफ मास मीडिया एंड रोल ऑफ टीचर्स। थैंक्स।